लगता है क्रूर सिंह से डर के भाग गई, अक्कल आ गई उन्हें। क्रूर सिंह मिट्टी का ढेर नहीं, शेर है। इतनी जल्दी मैं वहां से यहाँ कैसे आ गई? क्या मैं ऐसे दौड़ी हूँ जैसे हवा? हाँ। जो सीख सिखाई सब बेकार, सब नाकाम। मैंने बच्चे की जान बचाई, इसीलिए जान पे बनाई। वो दोबारा आ रहा था हमला करने के लिए। दुश्मन एक बार मारने से नहीं मरता, दुगनी ताकत से लौट के आता है। तो दुगनी ताकत से लड़ो, और लड़ने से पहले सीखो कि लड़ते कैसे हैं। सीखूंगी, कल सुबह फिर से शुरू से सीखूंगी। तुम्हारी चेलियां तो चली गई, जाहिर सी बात है तुम भी घर ही जाओगे। मतलब कि मेरे घर, मैं भी घर ही जा रही हूँ। साथ ही चलो, घर चल के बाबा की मदद भी कर देना। आज सब सब कहो ना, डर लग रहा है कि चीता फिर से हमला ना कर दे, इसीलिए साथ में जाने के लिए कह रही हूँ। घर पर आक्रमण करना है, कैसे करें? पहले मेरी जंजीरें खोलिए और वचन दीजिए कि सूर्यगढ़ जीतने के बाद आप मुझे वहां का राजा बनाएगी। समझो बना दी, अब बोलो। छापा मार आक्रमण, इस वक्त सूर्यगढ़ की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, इसलिए हम ऐलान करके युद्ध नहीं कर सकते। आपके 5-6 सैनिकों जो खास है उन्हें तैयार कीजिए। रात को गुप्त रास्ते से महल में भेजकर राजा अवंतीमाला को नींद में ही मार देंगे। होगा, आज रात को ही छापा मार आक्रमण होगा।
आज बहुत देर हो गई है, बाबा बहुत डांटेंगे। बेवकूफ, अंगूठी तेरे सामने पड़ी थी, उठाया क्यों नहीं? अंगूठी उठाने जाता तो शेर चंद्रकांता पे हमला कर देता, मतलब बच्चे पे। क्या कर रहे हो? लगता है हमारे राज्य में कोई चोरी छुपे घुस आया है। छापा मार तो विजयगढ़ से। ए अनारकली, ये नाजुक हाथ जंग के मैदान के लिए नहीं, इस गबरू जवान के लिए है। इस लड़की को मुझ पे छोड़ दो और जाओ पकड़ो उस लड़के को।
तेरा जवान तो गया। और भरी जवानी में गया, लेकिन तू इस जवानी को लेके कहां जाएगी? चल मेरे साथ, इस जीत का कोई तो इनाम लेके जाऊंगा अपने राज्य में। क्या कहा था तुमने? ये नाजुक हाथ जंग के मैदान के लिए नहीं। माफ कर दो मुझे, अब मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। हम सूर्यगढ़ वाले तलवार से ज्यादा प्यार की भाषा समझते हैं और समझाते हैं। समझा रही हूँ, समझ जाओ। और जाके तुम्हारी ये जो राजा या रानी है उन्हें भी समझा दो। सूर्यगढ़ को ना कोई जीत सका है और ना जीत सकेगा, क्योंकि हमारे लहू में खून नहीं, हमारे राज्य के गुरूर का जुनून दौड़ता है। माफ कर दो मुझे। ये टूटे हुए पेड़, ये सब कैसे हुआ? वीर, वीर तुम ठीक तो हो? वीर, ये तो बेहोश हो गया है, अब क्या करूं? कोई है? आ गया, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा। जब एक लड़की एक अनजान लड़के को गले लगाती है, इसका मतलब जानती हो क्या होता है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसीलिए। सूर्यगढ़ की मेहमान नवाजी? नहीं, हम मेहमानों को गले नहीं लगाते। तो फिर मुझे क्यों लगाया? वो बस तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये बता दो कि तुम क्या सोच रही थी। तुम बताओ, तुम क्यों बताओगे और मैं क्यों सुनूंगी? तुम जो कुछ भी सोचो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। ठीक है, ये बता दो कि तुम कैसी लड़की हो।
कहीं तुमसे डर के भाग गए हैं सब? कुमार क्रूर, आपको पेड़ के ऊपर रहना चाहिए। नीचे क्या कर रहे हैं आप? मेरे कमर के नीचे वाली चरमरा आ गई। मेरा घर बार, मेरा संसार, मेरा वारिस, सब कुछ लूट गया। मेरा तो सपना ही टूट गया। इस पेड़ ने तो मुझे शहीद कर दिया। तुम अपनी बहादुरी का किस्सा चलकर महाराज को बताओ, कैसे तुमने अपनी जान पर खेलकर सबकी जान बचाई। चलो। अरे कन्याकुमारी, तलवार तुम्हारी, धार वो ले गया, तेवर तुम्हारे, जेवर वो ले गया। नहीं, मैंने देखा है, मैंने देखा है, ये सब तुमने ही किया है। कैसे आंधी बन के तूफान की तरह टूट पड़ी थी तुम दुश्मन के ऊपर। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, लेकिन इसे क्रूर सिंह की मेहरबानी समझो खुद पर। एक आम मछुआरन एक दिन में भवानी बन गई। तुम्हें पता है, वीर को मैंने सिखाया है और वीर ने तुम्हें। लेकिन देखो, जीत का खिताब लेने अकेला चला गया महाराज के पास। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा हक ये क्रूर सिंह दिलाएगा। यहाँ जो कुछ भी हुआ, क्या मेरे हाथों से हुआ है? ये कैसी अनहोनी, कैसा चमत्कार है? हम जानते हैं कि इस हमले के पीछे कौन है। रानी हीरावती, वो फिर आके छल की निशानी है, कपट की कहानी। मूर्ख नहीं जानती कि हमारे एक एक योद्धा में हजार की ताकत है। बगावत, तुमने हमारे राज्य की रक्षा की, इसका तुम्हें इनाम देंगे हम। महाराज, मैंने ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी, चंद्रकांता भी मेरे साथ थी। हाथ में तलवार हो तो तुम जैसे योद्धा ही गरजते हैं, नाजुक हाथों में तो सिर्फ कंगन खनकते हैं। हम जानते हैं कि तुमने अकेले ही दुश्मनों को धराशायी किया। तुम कहो या ना कहो, लेकिन ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रकांता एक मामूली मछुआरन है। मछली पकड़ने वाले हाथ मगरमच्छ कभी नहीं पकड़ सकते। नहीं नहीं महाराज, वीर ने आपको बिल्कुल गलत खबर दी है। हाँ पे युद्ध और योद्धा दोनों चंद्रकांता ही थी। बिजली की तरह दुश्मन के ऊपर टूट पड़ी थी वो, तोड़ दिया था सबको, तोड़ के चूर चूर कर दिया था। और तो और महाराज, चंद्रकांता ने वहां पे एक भारी भरकम पेड़ भी तोड़ दिया था। हो ही नहीं सकता, ऐसे करते वैसा युद्ध तो केवल एक अय्यारी कर सकती है। महाराज, ये युद्ध चंद्रकांता ने ही किया है। मैंने जो लड़कियों को योद्धा बनाने का शिविर लगाया था ना, देखिए चंद्रकांता को कितना फायदा हुआ है उससे। एक दिन ने एक योद्धा पैदा किया है। और महाराज, अगर आपको किसी के सर पे जीत का सहरा बांधना है ना, तो वो मेरे सर पे बांधिए, इस वीर के सर पे नहीं। क्योंकि ये लड़कियों को योद्धा बनाने की योजना मेरी थी। कुमार क्रूर सही कह रहे हैं महाराज। चंद्रकांता, कुदरत का कैसा अजीब करिश्मा है। तुम्हारे माता पिता एक मामूली मछुआरे, पर तुम्हारे खून में यह अय्यारी कहां से आई, कैसे आई? महाराज, कुछ लोगों के खून में विरासत का नहीं, इबादत का खून होता है। हो सकता है इसके खून में अय्यारी सीखने का जुनून हो। ये भी हो सकता है इसके पुरखों में कोई अय्यार या अय्यारा रहा हो। माया भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके खून में जादू है, तो इसके उस जादू को बाहर निकालिए, इसे अय्यारी सिखाइए। सूरगढ़ को एक जाबाज योद्धा मिल जाएगी। चंद्रकांता, अय्यारी सीखोगी? मैं तो बचपन से अय्यारी सीखना चाहती हूँ। मेरी किस्मत है जो मैं आपसे अय्यारी सीखूंगी। बस एक बार माँ बाबा से पूछना चाहती हूँ। जाओ पूछ लो, फिर कल से तुम्हारा अभ्यास शुरू। जी हाँ महाराज। बधाई हो। रानी सेवा, आपके छाप हमारे योद्धा विजयी होकर वापस आ गए। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? हार कर मेरे सामने मुंह उठाकर आ गए।
रानी साहिबा, हम जंग जीत जाते वो लड़की जो मछुआरा जैसी लग रही थी वो बीच में आ गई। अच्छा, तुम लोग विजय गढ़ के बड़े बड़े योद्धा, एक मामूली सी मछुआरन ने तुम लोगों को मार दे। सच सच बताओ क्या हुआ है, वरना मैं तुम्हें शेर के मुंह में डाल दूंगी। यही सच्चाई है रानी साहिबा, उसके साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन योद्धा था। कौन? वही जिसको आपने योद्धा बनाया है, आपका बेटा। अपनी हार का घड़ा मेरे बेटे के सर पर फोड़ रहे हो? हाँ? मेरा बेटा शेर है, शेर मेरे एक इशारे पर पूरे जंगल में आग लगा देगा, ऐसा शेर है वो। आज तेरे ही शेर ने तुझे ही ढेर कर दिया ईरा। आज एक मामूली सी मछुआरे ने तेरे ही शेर को तेरे ही जंगल के खिलाफ खड़ा कर दिया, तेरी फौज का पत्ता साफ कर दिया। खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द भी कह दो। अच्छा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरा बेटा जरूर वहां कोई बहुत बड़ा जाल फैला रहा है। वीर खुद तो बेहोश पड़ा हुआ था और कहता है कि सबको उसने मार गिराया। चल छोड़ चंद्रकांता, एक अजनबी के लिए अपना दिन खराब मत कर, भूल जाओ उस वीर को। हंस, चंद्रकांता, 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 तुम मुझे आग उगलती नजरों से क्यों घूर रही थी? तुम्हें मुझे बधाई देनी चाहिए ना, हूर अयारा बनने वाली हो अब, मेरा मतलब है मशहूर अयारा बनने वाली हो। बरसा कोई और गर्जा कोई और, इसे वीरता नहीं धूर्तता कहते। मैंने तुम्हारे बारे में महाराज से बात की, तुम्हारे बारे में कहा भी, वो माने ही नहीं, मैं क्या करूं इसमें। अच्छा तो इस बात पे गुस्सा हो? जीत के सहरे के अलावा और भी कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ? धुड़कुम, संस्कृत में धड़कन को धुड़कुम कहते हैं। तो कुछ और भी है जो दे सकते हो, तो अगली बार अपनी जान दे देना। अरे जान दे दूंगा तो बाकी सब कैसे दे सकूंगा? कुछ और मांग लो। मेरा पीछा करना छोड़ दो। पीछा तो अजनबी रास्तों का किया जाता है, और हम तो हम सफर हैं, हमारी मंजिल एक, रास्ते भी एक, मतलब जहां तुम वहां मैं, अब मतलब एक ही घर में एक ही साथ रहते हैं दोनों, तो रास्ते भी एक ही होंगे ना। घर एक है लेकिन घर के लिए रास्ते कई सारे हैं, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और हाँ, जब तक मैं तुम्हारी नजरों से ओझल ना हो जाऊं, हिलना मत यहां से। लेकिन मैं कहा था ना कुछ मांग लो, मांग लिया, पीछे मत आना। अंगूठी, मेरी अंगूठी कहाँ गई? कहाँ गई अंगूठी? क्या हुआ? वो अंगूठी यहीं कहीं गिरी है। कहाँ गई? वही एक सबूत था भोला चाचा के हत्यारे का, वही अंगूठी चाचा को इंसाफ दिलाएगी। कहाँ गई? तुमने देखी? तुमने कहा था जो मांगूंगी दोगे, तो अंगूठी मेरे पास नहीं है। मेरे साथ ढूंढो ना, शायद तुम्हें मिल जाए। मुझे किसी भी हाल में भोला चाचा के हत्यारे को ढूंढना है, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, उस प्यार का एहसान है मेरे सर पे।
कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? चंद्रकांता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ तुम्हें कब से ढूंढ रही है, परेशान हो रही है तुम्हारे लिए, बहुत फिक्र हो रही है उन्हें तुम्हारी। हाँ, लेकिन वो मेरी अंगूठी मैं ढूंढती हूँ। तुम जाओ, तुम उनसे मिलो, जाओ जाओ। शर्त भूल गए थे या खुद को भूल गए थे? उस लड़की को अपने प्यार में डुबा के उससे अंगूठी लेने की शर्त थी या उसके प्यार में डूब के अंगूठी देने की? वीर देखो, वीर वो लड़की मौसम की बरसात नहीं जो एक बार बरस के रुक जाए, बल्कि बरसात का वो मौसम है जो बार बार बरसेगी, लगातार बरसेगी। तिलस्मी दुनिया का सबसे बड़ा तिलस्मी बनेगी, है सबसे बड़ी अयारा बनेगी, है बिल्कुल मेरी तरह, मेरे टक्कर की अयारा। मैं आसमान में गरजता हुआ बादल और ये आसमान में चमकती हुई बिजली। वीर, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मां से पूछना है कि उन्होंने छापामार योद्धाओं को यहां क्यों भेजा था। मां, मां, अंगूठी में दरार? चंपा, अंगूठी में दरार कैसे? ये अंगूठी टूट गई, अब मैं मां से बात कैसे करूंगा? अब कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें। मैं प्रसाद का गरजता पातल और वो आसमान में चमकती बिजली, लेकिन बिजली की उम्र तो बहुत कम होती है ना वीर, एक बार चमकती है फिर टूट जाती है। चंद्रकांता रुको, चंद्रकांता, चंद्रकांता, मैंने कुछ सुना कि तुमने जादू किया। हाँ, लगता तो है। वैसे दिखाया किसने? मैंने, बचपन से। तुम भी वीर जैसी बातें मत करो। पता है महाराज के सामने कैसे डींगे हाँक रहा था, जैसे उसी ने कल सबको मार भगाया हो। अरे उसे छोड़ो, तुम लोग मुझे जादू करके दिखाओ। तुम मुझे ना वो फूल तोड़ के दिखाओ जादू से। फूल? हाँ, कोशिश करती हूँ। ठीक है, कोशिश करती हूँ। अब फिर से कोशिश करो। कल तो जादू हुआ था, आज क्यों नहीं हो रहा? होगा होगा, देखना सूर्यगढ़ की इतनी बड़ी जादूगरनी माया भी तुम्हें जादू सिखाएगी ना, तब देखना तुम्हारे जादू में हजार चांद लग जाएंगे। वैसे तुम्हारा अभ्यास कब से है? हाँ तो आज से ही, पर माँ बाबा से अभी तक पूछा ही नहीं, और उन्हें तो अभी तक कल शिविर वाली अभ्यास की बात भी नहीं बताई मैंने। अरे तो कब बताओगी? जाओ बताओ उन्हें और मनाओ, जादू सीखना है तो मनाना पड़ेगा। क्या कल चंद्रा महल नहीं युद्ध सीखने शिविर गई थी? हाँ चाचा, आप लोगों को नहीं पता कल रात के युद्ध के बारे में? छापामार योद्धाओं ने आक्रमण कर दिया था, चंद्रकांता ने सबको मार गिराया। छापामार आक्रमण? हाँ चाचा, बहुत ही भयानक और खतरनाक युद्ध। चंद्रकांता ने अपनी जान पर खेलकर सूर्यगढ़ का सूर्य चमकाया है। और चाची, पता है आपको, उसकी इसी बहादुरी को देखकर ना महाराज उसे अय्यारी सिखाना चाहते हैं। क्या? हाँ, कल रात को तो सिर्फ एक ही जंग लड़ी थी उसने, अब अय्यारी सीखकर न जाने कितनी जंग लड़ेगी वो। देखना, एक दिन सूर्यगढ़ के लिए चंद्रकांता अपनी जान नौछावर कर देगी। अरे वीर, तुम आ गए? कल तुम तो थे ना वहां जब छापामार आक्रमण हुआ था राज्य पे? बताओ ना चाचा चाची को,
कैसे चंद्रकांता ने कहर ढाया था। आपकी बेटी गजब की है, खतरों से खेलने से बिल्कुल नहीं डरती। वो कोई जादू है उसमें, कोई बहुत बड़ी शक्ति। आप सबको पता है आज से वो अय्यारी सीखेगी और इस दुनिया की अव्वल अय्यारा बनेगी। माँ बाबा मैं आपको बताने वाली थी। बस अब कुछ मत बोलो, चलो चलो अंदर, चलो चलो अंदर चलो। अब मैंने क्या किया? फिर से गुस्से से देख रही थी। तुमने शिविर वाली इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और अब तो अय्यारी सीखेगी। माँ आप तो जानते हो कि मैं बचपन से जादू करना चाहती थी, जादू के सपने देखती थी और आप ही हमेशा कहते थे ना कि हमारे पास पैसे होते तो हम तुझे जादू सिखाते। जादू खुद चल के मेरे पास आ रहा है माम। तो जादू नहीं मौत का न्योता। तुझे पता है अय्यारों का काम क्या होता है? अपने राजा के लिए लड़ते हैं। राजा रानी पे कोई हमला करता है ना तो उनके लिए ढाल बन के खड़े हो जाते हैं और लड़ते लड़ते मर। नहीं चंद्र, हमने तुझे इसलिए नहीं पाला है कि तू किसी और के लिए मर जाए। देख बेटा, भगवान ने एक ही बेटी दी हमें, ऐसे कैसे किसी और पे निछावर कर दे तुझे हम। पापा मैं अपना ध्यान रखूंगी ना, इतनी बड़ी अय्यारा माया भी मुझे जादू सिखाएगी तो अब बस। तू जिस दुनिया के सपने देख रही है ना वो दुनिया हमारी नहीं। देख हमारे समाज में तुम्हारे उम्र की बेटियों की शादी कर दी जाती है और मैं शादी? माँ मुझे नहीं करनी शादी। पापा माँ को समझाओ ना, मुझे काम करना है, मुझे कुछ कमाना है। आप लोग की जिंदगी एक अच्छी जिंदगी के लिए बेटा, तेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते, तुझे ऐसी कुंवारी तो नहीं रख सकते, पर शादी तो सभी करते बेटा। देख तेरे लिए रिश्ता आया है, मैं कल बुला लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ। नहीं मुझे नहीं करनी शादी। ठीक है फिर मैं भी खाना पीना छोड़ दूंगी। रत्न प्रभा मर गई, उसकी पूरी सेना मर गई, लेकिन सेनापति, सेनापति की वफा नहीं मरी। वफा कभी मरती नहीं। क्या मिला तुझे इस वफा से? 22 साल की कैद, मेरी वफा कर, 22 क्षणों में तुझे आजाद कर दूंगी। तू क्या आजाद करेगी मुझे? मुझे आजाद करने वाली आएगी रानी रत्न प्रभा की बेटी, हमारी राजकुमारी, तेरी मात बनकर आएगी वो। कंचा आया महारानी।
क्या हुआ? यूं गुस्से से घर से बाहर क्यों चली आई? आग लगा के कहते हो शोले कहां से उठे? पहले तो महाराज के सामने मेरा हक छीन लिया और फिर मेरे माँ बाबा के पास जाके उन्हें भड़काया और ऐसे पूछो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है चंद्रकांता। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। महाराज के सामने जो नहीं बोल पाया वो तुम्हारे माँ बाबा के सामने बोल रहा था। और वैसे भी तुम अयारी सीख रही हो, अब तुम अयारा बनने वाली हो, तो फिर रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरे सिर पे काल मंडरा रहा है और उस काल का नाम है वीर। एक पल में तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए, मुझे तोड़ दिया। क्या किया मैंने? क्या किया? क्या तोड़ा? हाथ छोड़ो मेरे, हाथ छोड़ो, दूर रहो मुझसे। क्या बात है, एक बार फिर से करो। अरे एक बार फिर से करो तो। मैंने कहा फिर से करके दिखाओ। हटो, दूर रहो। कोई बात नहीं, अब तो तुम जादू सीखोगी तो इससे कहीं बड़े बड़े जादू करोगी। शायद हो सकता है मुझे हवा में उड़ा दो। हवा में तो तुमने उड़ाया मुझे। मेरे माँ पापा नहीं चाहते कि मैं यारा बनूं, पर मुझे जादू सीखना है और वो है कि समझते ही नहीं भी नहीं समझते। तुम शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती मैं शादी? नहीं बताओ, तुम क्यों चाहते हो कि मैं शादी ना करूं? क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं शादी ना करूं। क्या? मेरा मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि तुम शादी करो। तुम क्या कह रहे हो? मतलब मेरे कहने का मतलब, 100 किलो का वजन लेके मेरे ऊपर गिर जाओगी, सर जमीन से टकरा गया और मेरा दिमाग चला गया निकल के, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो जिसकी हाथ की रेखाओं में भी जादू है, और उसे शादी की सेवा में कौन बांध सकता है? बताओ, तुम ही नहीं बांध सकता ना कोई? जैसे कि हाँ, बहते हुए पानी को, चढ़ते हुए सूरज को, चलते हुए रक्त को किसी ने रोका है क्या? तुम बताओ। बस कहानी खत्म हो गया तुम्हारा। तुम्हारे होते हुए मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब मैं जाऊं? सुची चंद्रा को देखने के लिए लड़के वाले आना चाहते हैं और हमारी बेटी है कि मानने को तैयार नहीं। चिंता मत करो बीमा, मैं खाना पीना छोड़ दूंगी तो अपने आप कमजोर हो जाऊंगी। मेरी कमजोरी देखकर चंद्रकांता का दिल पिघल जाएगा। चंद्रकांता को मैं मना लूंगी चाची, आप सिर्फ लड़के वालों को बुलाने की तैयारी कीजिए। नहीं बेटे, चंद्रा नहीं मानेगी। मैं हूं ना, मैं उसे मना लूंगी। विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे तो हमारी चंद्रा मान जाएगी, समझी?
बीमा? हाँ? बीमा? रुचि? रुचि क्या हुआ? रुचि? रुचि? बेटा फी, पूरे घर में हजारों चांद के टुकड़े होंगे, लेकिन तुम एक मछुआरन के साथ, मैंने तुम्हें कहा था कि वो खंजर के निशान वाली लड़की को ढूंढ के लिया, उसका जादू मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा है, अगर तुम जल्द से जल्द उसे यहां नहीं लाए तो तुम्हारी मां मर जाएगी। तीर खबर मिलते ही मुझसे बात कर, वरना वो मछुआरन मर जाएगी। रिमझिम, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो रहा था। अब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अय्यारा कैसे बनूंगी? बिना अभ्यास के जादू कैसे सीखूंगी? जादू कहीं बाहर नहीं, जादू तेरे अंदर। अगर तुम अपनी अंदरूनी शक्ति को सही दिशा दो, तुम जब चाहो जादू कर सकती हो। शक्ति को शक्ति से जोड़ना है तो सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करो। जादू लहू बनके तुम्हारी नस नस में दौड़ेगा, मगर सबसे पहले एकाग्र करना जरूरी है। सच रिमझिम, मैं जादू कर सकती हूँ। बोलो ना रिमझिम, मैं जादू कर सकती हूँ। तुम मेरी सगी बहन की बेटी हो, पर मैं आज तक तुम्हारी मासी नहीं बन सकी। तुम्हारे सामने आती तो मेरी पहचान सामने आ जाती, और इरावती मेरे जरिए तुम तक एक पल में पहुंच जाती। इसीलिए मैंने अपनी पहचान अपने आप को छिपा लिया, पर जहां भी रही साए की तरह तुम्हारे पीछे रही, तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम नहीं जानती, तुम रानी रत्ना की बेटी हो, सबसे बड़ी अय्यारा की बेटी। जादू तुम्हारे खून में है, एक दिन आएगा, खून अपना रंग दिखाएगा, तुम्हारा जादू अपने आप बाहर आएगा, और उस दिन मैं ही तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे गढ़ तक ले जाएगा। तुम्हारा गढ़ विजयगढ़, जिसपे कभी तुम्हारे माता पिता का राज था, वही विजयगढ़ जहां आज रानी इरावती का राज है। और उस राज के पीछे तुम्हारे माता पिता की मौत की दर्दनाक कहानी है। इस कहानी का आगाज किया था रानी इरावती ने, और इसका अंजाम लिखोगी तुम अपने विजयगढ़ को इरावती के चंगुल से आजाद करोगी। तुम अपने माता पिता की मौत का इंसाफ करोगी। तुम अपने विजयगढ़ की काया पलट दोगी, क्योंकि तुम कोई साधारण लड़की नहीं, तुम एक बहुत बड़ी मायावी काता। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.